ध्रुव जी को जब अहंकार हुआ तो मनु महाराज आए, मनु महाराज आए और उन्होंने आकर के ध्रुव जी को ज्ञान दिया और कहा, पुत्र हमारे वंश में पैदा होने वाले धर्मात्मा पुत्र और ऐसे भक्त संत, आपके लिए ये सब मार्ग शोभा नहीं देता है। ये सब आपको किसी से द्वेष, किसी को मारना, किसी का अपराध करना, ये सब आपका काम नहीं है, ये संतों का काम नहीं है पुत्र। तब ध्रुव जी को वहाँ बहुत अच्छा ज्ञान दिया मनु महाराज ने। ध्रुव की बुद्धि शुद्ध हुई और अपने पर बाबा को प्रणाम किया। भगवान पुनः मनु महाराज अपने धाम जाते हैं। श्री सुखदेव जी सावधान करते राजन, इधर मृत्यु देवी सामने खड़ी है। खूब 36,000 वर्ष राज्य चलाया ध्रुव जी ने। इसके बाद जब भगवान के धाम जाने की इच्छा हुई तो मृत्यु देवी काली अम्मा सामने खड़ी है। ध्रुव जी बोले, अजी आप कौन हो, अपना परिचय दोगी क्या? ओ मृत्यु देवी कहने लगी, अजी मेरा नाम है मृत्यु देवी। क्यों? बोले मैं ना मृत्यु लोक की मालकिन है और यहाँ पे चाहे कोई भी आए भैया, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई मंत्री, चाहे कितना बड़ा कोई भी क्यों नहीं आए, लेकिन यहाँ जो आता है वो हमें स्वीकार करता है। कोई भी सही भैया, पर ना तो हमें स्वीकार करके ही जाएगा आगे। ध्रुव जी ने, भगवान के दिव्य पार्षद वहां खड़े हैं, सो ध्रुव जी उनकी तरफ देखने लगे। भगवान के दिव्य पार्षदों ने ध्रुव जी ते इशारों कियो, भैया या अम्मा तने कि ये कह दियो कि थोड़ी नेक नीचे को झुक जा, हम स्वीकार कर लेंगे। तो जैसे ही ध्रुव जी ने कहा तुम नीचे थोड़ा सर झुकाओ, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ जो आया है उसको मरना है, आना जाना लगा जगत में है? बताया है बड़े सुंदर शब्दों में।